गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम जैसे हमने पिछली जूम क्लास में मैंने आपको एप्टीट्यूड की बुक हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने टास्क शीट वन किया था एनालॉजी। उसमें हमने मैंने आपको वर्ड्स एक्सप्लेन करे थे, ठीक है, आपको समझाए थे कि उनके बीच में मतलब क्या उनके बीच में वो रिजेम्बलेंस है, मीन्स एक जो वर्ड है वो दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था एनालॉजी वर्ड्स का पेज नंबर 5, फिर हमने सॉल्व किया था पेज नंबर 6, ठीक है, कि एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे जो अल्फ़ाबेट थे, हमने उस पैटर्न को फाइंड आउट करके हमने तब ये सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में दिया था पेज नंबर 13 पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 मैंने आपको दिए थे लेटर सीरीज़ करने के लिए। आई होप आप सब लोगों ने किया होगा। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 12, ठीक है। पेज नंबर 12 में बेटा ये एक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, और ये जो अल्फ़ाबेट है एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है और उस पैटर्न को ही हमें फॉलो करते हुए आगे की जो हमारा जो अल्फ़ाबेट आएगा हमें वो फिल करना है, उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक इसमें आपको दो सेट दिए गए हैं, एक तो प्रॉब्लम सेट है और दूसरे में आंसर सेट है। मीन्स कि जो प्रॉब्लम सेट है इसमें आपको अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और आंसर सेट में जो अल्फ़ाबेट उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, हमारे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा हमने उसको उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है ए, प्रॉब्लम सेट हम देखते हैं ए सी एफ जे। हाँ जी, अब देखो ए के बाद क्या आएगा, बी, ठीक है, जो ए बी सी डी तो सबको आती है, तो देखो ए के बाद क्या आएगा। और मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप एक छोटे से कहीं पर भी आप एक जो अल्फ़ाबेट है वो आपने लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, कहीं पर भी एक पेज पर लिख लीजिए, आपको फटाफट जल्दी भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ए के बाद है, ए के बाद क्या आएगा, हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट को इन्होंने बीच में क्या किया, स्किप किया है। सी, सी के बाद क्या आएगा, सॉरी डी और ई, यानी कि यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट को किया है, 2, तो ए और सी के बीच में आप लिखेंगे 1, सी और एफ के बीच में लिखेंगे 2 अल्फ़ाबेट को इन्होंने स्किप किया है, देन इन्होंने थर्ड अल्फ़ाबेट लिखा है एफ, एफ के बाद इन्होंने लिखा है जे, यानी कि बीच में कितने अल्फ़ाबेट हो गए स्किप, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, यस, 3 अल्फ़ाबेट को इन्होंने स्किप किया, तो इनका क्या पैटर्न चला, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। अब फिर से ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जे, जे के बाद इन्होंने क्या ओ आएगा, नो बिल्कुल भी नहीं आए, तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न को ये फॉलो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3 का ये हमारा पैटर्न है, और ओके, अल्फ़ाबेट ए और सी के बीच में है 1, सी और एफ के बीच में 2 अल्फ़ाबेट स्किप हैं, एफ और जे के बीच में 3 हैं, और जे के बाद 1, 2, 3 के बाद क्या आएगा, 4, ठीक है। तो हमने माइंड में कर लिया कि यहाँ पर जो फोर्थ अल्फ़ाबेट आएगा, कि 3-4 अल्फ़ाबेट को स्किप करके जो पांचवा अल्फ़ाबेट है यहाँ पर वो आएगा, तो अपनी जो आपने अल्फ़ाबेट लिखी है उसमें देखेंगे कौन सा वो अल्फ़ाबेट है, या तो यहाँ पर देखो हमारे दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो ये लोग इन्होंने 1, 2, 3 के अल्फ़ाबेट को इन्होंने फॉलो कर पैटर्न को फॉलो कर रखा है कि 1, 2, 3 उसके बाद फिर से 1, 2, 3, या फिर इन्होंने इस पैटर्न को फॉलो कर रखा है 1, 2, 3, 4, है ना। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है यहाँ पर, ठीक है। अब है ओ, ओ हमारा 4 अल्फ़ाबेट है ना, 4 अल्फ़ाबेट को स्किप करके तब हमारा ओ आता है, तो मे बी ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद जी, जी आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। आर, बिल्कुल भी नहीं, आर भी नहीं फिट हो रहा है। और उसके बाद है एल, तो जे के बाद तो सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को किया ना इन्होंने स्किप, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा वो क्या है, कि जे के बाद आएगा ओ, यानी कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जे के बाद 4 अल्फ़ाबेट को इन्होंने स्किप किया और उसके बाद आएगा हमारा ओ आंसर, पांचवा अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ ओ,
क्लियर। इसके बाद है नंबर टू, ए बी, यानी कि पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है हमारी ए बी सी डी का, ए और बी, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट लिए और लास्ट के जेड वाई, दो अल्फ़ाबेट इन्होंने लास्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से फिर इन्होंने सी डी, तीसरा और चौथा अल्फ़ाबेट लिया ऊपर से, और फिर इन्होंने नीचे से लिया तीसरा और चौथा अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक यानी कि एक बार ऊपर से अल्फ़ाबेट लिए, एक बार नीचे से अल्फ़ाबेट लिए, ठीक है। तो अब यही पैटर्न चल रहा है। तो अब सी डी के बाद हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? सी और डी के बाद आएगा हमारा ई और एफ। तो देखो जो हमारा आंसर है वो क्या है, हमें इस आंसर सेट के सभी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे तो आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारा जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कौन सा आएगा, ई और एफ, ठीक है। तो आप ई एफ पे निशान लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड वाला जेड, जेड के बाद इन्होंने बीच में एक अल्फ़ाबेट स्किप किया है वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक हल्का सा लिखेंगे जेड के बाद वन, ठीक है। वन इसलिए लिखा है क्या, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट को इन्होंने स्किप किया है। तो यहाँ पर इन्होंने वाई अल्फ़ाबेट को स्किप किया है, यानी कि एक को। जेड के बाद फिर से इन्होंने वी लिखा है, तो यानी कि फिर से यहाँ पर इन्होंने एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है हमारा टी, बीच में फिर से इन्होंने यू अल्फ़ाबेट को स्किप किया, यानी कि नीचे से हमारे अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं, जेड, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वी, वी के बाद टी, यानी कि एक एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया है इन्होंने। और टी के बाद अब हमारा कौन सा, एक अल्फ़ाबेट को जब हम छोड़ देंगे, यानी कि हम एस अल्फ़ाबेट को स्किप कर देंगे, तो हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, टी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको तीन समझाए हैं, बहुत ही ईजी हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना रीजनिंग का। और मैंने आपको सबसे आसान तरीका ये बताया था कि आप लोग एक जो ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट है वो अपना लिख ले कहीं पर, ठीक है। और उसको अपने, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पर उसको अपने पास रखेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको समझते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये करना है, ठीक है। और उसके बाद है आपका फोर्थ वन। फोर्थ वन में देखो ए बी पी, फोर्थ वन में है ए बी पी। ए बी पहला अल्फ़ाबेट है और उसके बाद इन्होंने पी लिखा है, ठीक है, रैंडमली इन्होंने पी लिखा है। डी ई, डी के बाद इन्होंने, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, ठीक है। ए बी के बाद इन्होंने सी को किया है, ठीक है, सी को स्किप किया है। फिर इन्होंने डी लिखा है, डी और ई, यानी कि आप ये जो पैटर्न फॉलो करेंगे उसमें ये एफ़ को स्किप करेंगे। नेचुरल सा दिख रहा है हमें पैटर्न, क्या आ रहा है निकल के, एफ़ को ही स्किप करेंगे। फिर इन्होंने लिखा जी एच, एच, तो देखो ए बी सी को स्किप किया, डी ई एफ को स्किप किया, जी एच, ठीक है, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अगर पी का देखें तो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब जी एच के बाद क्या आएगा, आई, आई को इन्होंने नहीं लिखा, मींस सबके बीच में ए। तो आप देखो जल्दी से क्या पता चल रहा है कि जे के बाद हम एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, जे के बाद क्या है जो है के, हम सॉरी जे के, के के बाद हम एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, यानी कि हम एल को छोड़ देंगे, ठीक है, हम किसको छोड़ देंगे, एल को छोड़ देंगे। तो हमारा क्या आएगा निकल के, एम, ठीक है, क्या आएगा निकल के हमारा, एम, ठीक है। तो हम, तो इसका जो आंसर है वो है इसका सी आंसर, एल एम टी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है फिफ्थ वन, ए बी, ए बी रेंड दोनों आए हुए हैं सीक्वेंस में। इसके बाद इन्होंने सी को स्किप किया है, फिर लिखा डी, यानी कि ए बी के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट मिसिंग नहीं है, बी और डी के बीच में एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, सी, ठीक है। और सी के बाद है डी, डी के बाद इन्होंने दो अल्फ़ाबेट ई और एफ़ को मिसिंग किया, ई एफ फिर जी, यानी कि वन टू और जी के बाद थ्री। हमारा, हमारे माइंड में खुद से ही आ रहा है कि इसमें तीन अल्फ़ाबेट का गैप आएगा, ठीक है। तो जी के बाद तीन अल्फ़ाबेट कौन से हैं, के आएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है हमारा सिक्स्थ वन, सी और एक्स, मीन्स
एक अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का तीसरा लिया है और एक अल्फ़ाबेट नीचे से थर्ड लिया है। सी थ्री थर्ड नंबर का अल्फ़ाबेट है और नीचे से देखें तो एक्स भी थर्ड नंबर का अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो और इसी तरीके से डी फोर्थ अल्फ़ाबेट है, ऊपर से डब्ल्यू नीचे से फोर्थ अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो थ्री थ्री का थ्री थ्री फोर फोर, ई फाइव वाला है और वी भी फिफ्थ है। तो थ्री थ्री फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, अगला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? सेवन। थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद क्या आएगा? सेवन। तो सेवन अल्फ़ाबेट कौन सा है? जी, ठीक है। ऊपर से तो हो गया जी और नीचे से सेवन्थ अल्फ़ाबेट कौन सा बनता है? टी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी, जी और टी। इसके बाद है हमारा सेवन्थ एक्स, ठीक है। एक्स के बाद इन्होंने लिखा वी, मीन्स ये उल्टा चल रहे हैं, नीचे से अल्फ़ाबेट इन्होंने उठाए हैं। एक्स, एक्स के बाद में इन्होंने एक लीव किया है, डब्ल्यू को इन्होंने लीव कर दिया, ठीक है। एक्स के बाद डब्ल्यू को लीव किया, फिर लिखा वी, वी के बाद लिखा इन्होंने एस। देखो बीच में वी और एस के बीच में दो अल्फ़ाबेट मिस हुए बेटा, यू एंड टी, ठीक है। एक्स के और वी के बीच में एक अल्फ़ाबेट मिस है, डब्ल्यू, यानी कि प्लस वन का गैप है, और वी और एस के बीच में टू का है। तो हमारा पैटर्न क्या बना? वन टू, एस और ओ के बीच में तीन अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो वन टू थ्री, और ओ के बाद हमारा यानी कि चार अल्फ़ाबेट मिस करने के बाद जो हमें पांचवा अल्फ़ाबेट हमें वो लिखना है, तभी तो हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। एक्स वी एस ओ एंड देन जे, पांचवा हमारा। अगर हम ओ के बाद पांच अल्फ़ाबेट मिस करें तो देखो एन एम एल के और जे, यानी कि हमने एन एम एल और के चार अल्फ़ाबेट को मिस करके हमने पांचवा अल्फ़ाबेट लिखा है और वो है हमारा जे। इसके बाद है वी डब्ल्यू ए बी, हाँ जी, वी और डब्ल्यू नीचे से फिर से इन्होंने पैटर्न स्टार्ट किया है। वी और डब्ल्यू देखो इकट्ठे इकट्ठे है ना, वी पहले है उसके बाद डब्ल्यू है, ठीक है। तो इन्होंने पहले नीचे से लिया, फिर उन्होंने एक नीचे से जोड़ा लिया, एक ऊपर से लिया, ए बी वी डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वी और एक्स लिया, ठीक है। तो वी एक्स के बाद इन्होंने फिर से बी और सी, तो उन्होंने रिपीट किया, पहले वी का डब्ल्यू के साथ पेयर किया, फिर डब्ल्यू का एक्स के साथ पेयरिंग की, नीचे से ऐसे पेयरिंग की, फिर उन्होंने ऊपर से की कि ए बी, ए बी के बाद बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अब कौन सी पेयरिंग आएगी? एक ऊपर की पेयरिंग, एक नीचे की पेयरिंग, अब बनेगी हमारी नीचे वाली पेयरिंग, और वो क्या बनेगी? यानी कि W की तो हो गई, अब हमारी X की पेयरिंग बनेगी। X की पेयर किससे होगी? X और Y की पेयर होगी, ठीक है। तो आपने क्या, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट बनेगा, जो हमारा आंसर बनेगा, वो क्या होगा? X और Y। आप आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप यू कैन आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और वीडियो में टाइम तो बेटा काफ़ी हो गया, ठीक है। तो अब आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं।